थैंक यू मैम हमें अपना टाइम देने के लिए. तो आपसे सिर्फ ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, छोटे कुछ सवाल पूछने थे. एक तो ये है कि इस बार दिल्ली बुक फेयर जो हुआ है, इसमें मैं देख रही थी इधर उधर भी कि काफ़ी रीजनल बुक्स भी इस साल काफ़ी ज़्यादा आती हैं. वर्ल्ड बुक फेयर में भी आती हैं, बट इस साल मैंने नोटिस किया कि अंग्रेज़ी की किताबों के साथ साथ हिंदी और बाकी अन्य भाषाओं में भी किताबें हैं. तो और काफ़ी छोटी पब्लिकेशन भी इस बार हिस्सा ले रही हैं इसमें. तो ये कितना महत्व रखता है कि इस पब्लिशिंग इंडस्ट्री या फिर किताबों की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए या फिर छोटे राइटर्स को बढ़ावा देने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो काम अभी शुरू हुआ है, चाहे प्रशासनिक स्तर पे हुआ है, राष्ट्र के स्तर पे, या ही बुक फेयर ने स्कीम बदली है, मैं तो यही कहूँगी. क्योंकि आज की स्थिति में मैं 25-30 सालों से यहाँ जुड़ी हुई हूँ, आती रही हूँ, बिल्कुल नया रूप देखा है इस बारी का, आप ठीक कह रही हैं. और इसमें भारतीय भाषाओं को जो जोड़ा गया है, ये अपने आप में एक बेजोड़ चीज़ है, जो पहले भी था लेकिन इस रूप में नहीं था जो आज है. और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान प्रकाशकों का, पाठकों का, लेखकों का, और जो प्रशासनिक स्तर पे जुड़े हैं यहाँ, उन्होंने किया है. तो ये अपने आप में बहुत हर्ष की बात है. जैसे हमने देखा है कि आज के युग के जो बच्चे हैं वो अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ते हैं. खैर, कोई गलत बात नहीं है, किताब तो किताब होती है, ज्ञान तो सब किताबों से ही मिलता है. पर ये जो काफ़ी, जैसे हम लोग जब स्कूल में थी तो हम लोग ने प्रेमचंद पढ़ा, महाश्वेता देवी पढ़ा, हम लोग जाने उनको क्योंकि हमने उस भाषा को पढ़ा, समझा और आगे पढ़े. तो आज के युग में भी मैं मानती हूँ कि काफ़ी ऐसे लेखक हैं जो भाषा, जिस भाषा में लिखते हैं, पर शायद उनकी जो ऑडियंस है वो काफ़ी लिमिटेड है. आपको ऐसा लगता है कि भाषाओं की जो ऑडियंस है, जैसे हिंदी है, जिनको वो भाषा पता है सिर्फ वहाँ तक ही है लिमिटेड, उसके आगे भी इस ऑडियंस को अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंचे? देखिए, हिंदी की जो बात करें, क्योंकि मैं हिंदी की कवित्री हूँ, लेकिन मेरा भारतीय भाषाओं से भी काफ़ी योगदान रहा है बातों में और लेखकों कवियों के साथ. मुझे ये लगता है कि कोई भी भाषा सीमित अब नहीं रह गई है. समय आज आधुनिकीकरण का है, इंटरनेट का है, मोबाइल का है. तो आज आप देखते हैं हर स्तर पर कार्य हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप अपने पाठकों से जुड़ते हैं. आप देखती होंगे कोई एक कविता लिखता है, वो रातों रात लाखों लोग पसंद करते हैं. तो आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी का कवि या उर्दू का कवि या अंग्रेजी का कवि सामने नहीं आ रहा. बिल्कुल आ रहा है. वो बात अलग है कि वो लोग जो ऐसी उम्र में चले गए हैं, वो कम सक्रिय हैं, इतना नहीं कर पा रहे, लेकिन वो भी जागरूक हैं. आज ऐसी ऐसी पब्लिकेशन हो रहे हैं कि वो ई के द्वारा, आज ई का जमाना है, डिजिटल का है. तो आप देखते हैं हर जगह तहलका मचा हुआ है डिजिटल का. चाहे मैं एक तरह से ठीक भी है, लेकिन क्योंकि मैं जिस समय की हूँ, उस समय ये था कि हम पर्सनली मेलों में जाते थे, पुस्तक मेले में, खासतौर इधर की बात करूँगी, और अक्सर अपने पसंद के कवियों, लेखकों को, दूसरी भाषाओं के कवियों को, उनके अनुवादों को, चाहे वो किसी भी भाषा के हैं, मैं खरीदती थी. और मेरे साथ के समकालीन लेखक कवि भी उसमें रुचि रखते थे. वो थोड़ा कम हुआ है, पढ़ने वाले लिमिटेड है पुस्तकों को. लेकिन व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर, और आपके दूसरे जो डिजिटल है, उनमें पूरी रुचि रखते हैं. मेरा तो यही कहना कि कोई कमी नहीं आई है उनमें भी. इवन ये है कि आप रातों रात अच्छा लिखने की वजह से विश्व तक चले जाते हैं. आज पूरा संसार एक छोटा सा बन गया है, अब रातों रात चले जाते हैं. हमारे समय में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उधर तक पहुंचने की. तो जैसे अब जैसे आपने बोला कि डिजिटल का जैसे ये रोल है कि आप रातों रात पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हो, वहीं पर ही छोटे पब्लिशिंग हाउसेज जो हैं, जिन्होंने बहुत मार खाई लॉकडाउन के टाइम पर, क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल पर चली गई थी, तो उनको एक स्तर पे लाना, कि जो बड़ी MNC वाली पब्लिकेशन हाउसेस के स्तर पे लाना, वो कितना महत्वपूर्ण है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छोटे पब्लिशर्स जो हैं, या ऐसे पब्लिशर जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन्होंने अभी कोरोना में भी बहुत अधिक दुख पाया है. मैंने देखा है खुद भी, और काफ़ियों को तो हम लोगों ने मिलकर आर्थिक सहायता की. लेकिन ये ड्यूटी प्रशासनिक स्तर पे होनी चाहिए, कि भारतीय संस्कृति को अगर आप देखें, आज
हजारों सालों से अभी तक तो पुस्तकों को ही लेकर वो संस्कृति चली है, चाहे वो हमारे ग्रंथ थे, चाहे हमारी श्रुतियाँ थी, चाहे उपनिषद थे, उसी से चल रही है। यहाँ तक आज विदेश भी हमारी ही पुस्तकों को पढ़कर विज्ञान में भी जा रहा है, हमारी पुस्तकों को पढ़े स्वास्थ्य का लिए जा रहा है, हमारी जड़ी बूटियों को देखकर वो आयुर्वेद में जा रहा है, हमारे को देख कर योगा में जा रहा है। कहाँ से? भारत है, तो भारत तो एक मिनी वर्ल्ड है मैम। और आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने ही बोला कि बच्चे आजकल जो है किताबों में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, पर एक चीज ये भी लगती है मेरे को, मुझे जो लगी, मैंने जो नोटिस किया कि बच्चों की किताबें जितनी मैं देख रही थी वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी लगी कि वही किताबें हैं। क्या आपको लगता है कि बच्चों के लिए नई किताबों पे काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मैं काफ़ी ऐसे पब्लिशर्स को, राइटर्स को जानती हूँ जो मेरे समय के हैं, आज के भी हैं, वो लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले हैं। और मैं आपको आगे जाकर टेलीविज़न पर ही ये चीज़ बताऊंगी, चाहे वो एनडीटीवी हो या कोई भी मीडिया, कि वो लोग किस रूप में बच्चों की चीज़ों को सामने ला रहे हैं, डिजिटल उसमें भी और पुस्तकों के हाथ से लिखकर। तो काम हो रहा है, मैं ये कहना चाहती, काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, थैंक यू सो मच मैम।